क्वेश्चन पूछा गया था कि सर कैसे पता करें कि स्टैट प्रो हमें आता है या नहीं, या फिर आता है तो कितना आता है। तो आज का वीडियो इसी पर होने वाला है कि स्टैट प्रो आपको कितना आता है और किस तरीके से इसको इंप्रूव कर सकते हो। चलिए फुल सॉल्यूशन ऑन स्टैट प्रो, लेट्स स्टार्ट। गाइस सबसे पहले आपको अगर स्टैट प्रो आता है, चेक करने का सबसे आसान तरीका है क्या उसका फाइल फॉर्मेट आपको आता है क्या। कई लोग बोलेंगे सर नहीं आता है, कई लोग बोलेंगे यस सर आता है, .stv यहां से शुरुआत होती है। उसके बाद जैसे ही स्टैट प्रो के अंदर आते हैं आप, तो आपको छोटी छोटी चीजें स्टैट प्रो के अंदर, देखिए क्या होता है कि जैसे कि आप यूट्यूब पे देखते होंगे कई लोग ट्यूटोरियल्स बताते हैं, आपने सीखा भी होगा, बट कॉन्फिडेंस आया क्या? तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप प्रोजेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि देखो ओवरऑल क्या है, एम क्या है स्टैट प्रो सीखने का, फिर रैबिट सीखने का, ऑटोकैड सीखने का, प्रोजेक्ट हो पा रहा है क्या? तो आइए देखते हैं कि प्रोजेक्ट करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको आना ही चाहिए। पहली चीज, अगर आप प्रोजेक्ट करना जानते हैं उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज लगाना आना चाहिए। इन द सेंस कहां पर कितने डेप्थ का बीम देना है, कितने साइज का कॉलम देना है, क्या आपको ये आता है क्या, स्टैट प्रो की सबसे प्राइमरी चीज है। अगर आता है वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो यहां पर आपका मिस्टेक्स है। इसके बाद जैसे आपका प्रॉपर्टी आप प्रोवाइड कर देते हो, उसके बाद आता है सपोर्ट। क्या आपको हर तरह के सपोर्ट के बारे में पता है क्या, खासतौर से फिक्स सपोर्ट और रोलर सपोर्ट के बारे में पता है क्या, जिसको स्टैट प्रो की भाषा में फिक्स बट बोलते हैं, क्या उसके बारे में जानकारी है? इफ यस दैट साइड, अगर नहीं तो गड़बड़ है। चलिए इसके बाद जो तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कॉल्ड लोड। क्या आपको लोड लगाना एक्यूरेट आता है क्या, 1 देना है कि 1.5 देना है, कब 1.25 देना है, फैक्टर्स आता है क्या, सेल्फ वेट फैक्टर्स। क्या आपको पता है कि स्लैब का लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है डेंसिटी इनटू थिकनेस होता है ना, जैसे कि आरसी डेंसिटी 25 और थिकनेस कितनी है 0.15, मतलब 150 mm, तो कितना हुआ 3.75, 1 किलोमीटर फ्लोर फिनिश जोड़ते हो। क्या आपको स्लैब का लोड कैलकुलेट करना आता है क्या, अगर आता है तो गुड, नहीं आता है तो गड़बड़ है, दया दरवाजा तोड़ो। अगर इसके साथ ही साथ आपको तीसरी चीज आनी चाहिए, ब्रिक का लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ब्रिक्स में आपको फ्लाईएस के भी डेंसिटी पता होना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे फ्लाईएस यूज करेंगे। आपको एसी ब्लॉक्स का डेंसिटी पता होना चाहिए। आपको जो कन्वेंशनल ब्रिक्स होती है इसकी डेंसिटी पता होना चाहिए। क्यों? लोड निकालने का सीधा फैक्टर होता है डेंसिटी इंटू थिकनेस इंटू फ्लोर हाइट माइनस बीम डेप्थ। ये फॉर्मूला होता है ब्रिक का लोड कैलकुलेट करने का, क्या डेंसिटी इनटू थिकनेस इनटू फ्लोर हाइट माइनस बीम डेप्थ। इस तरीके से आप ब्रिक का लोड आपको लगाना आता है क्या। चलिए तो कॉमन लोड्स है। इसके बाद क्या आपको सेस्मिक लोड लगाना, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आपको कंपल्सरी है सेस्मिक लोड असाइन करना, तो क्या आपको सेस्मिक लोड लगाना आता है क्या, उसको डिफिनेशन देना आता है क्या सेस्मिक लोड को, अगर हाँ तो गुड, नहीं तो गड़बड़ है। तो सेस्मिक लोड आप लगा रहे हो तो सबसे पहले कौन सा लोड डिफाइन करते हैं, क्या सबसे पहले सेस्मिक डिफाइन करते हैं या फिर डेड लोड, लाइन लोड, इसकी सीरीज पता है क्या आपको, और इन सब के बाद क्या इनका लोड कॉम्बिनेशन लगाना आता है क्या आपको, कॉम्बिनेशन बनाना आता है और साथ ही साथ ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन लगाना आता है क्या, अगर हाँ तो मतलब आपको लोड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कई जगहों में विंड की भी जरूरत पड़ेगी तो विंड का लोड कैलकुलेट करना आता है क्या आपको। अब जब मैं सेस्मिक बोल रहा हूं तो सेस्मिक मतलब ये कि बेस शियर कितना दे रहा है, ठीक है, एच इंटू डब्ल्यू कितना है, एच क्या है, डब्ल्यू क्या है, फुल डिटेल है क्या सेस्मिक के बारे में, ठीक है। एच कैलकुलेट कैसे करते हैं, जेड आई बाई टू आर उधर एन टू एस ए बाई जी, तो ये कहां से आया, एस ए बाई जी क्या है, किस पे डिपेंड करता है, जेड क्या है, आई क्या है पता है क्या, जी क्या है पता है क्या, If yes, then you are absolutely right. चलिए अब इसके बाद देखो भाई वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं पूरा स्टैट प्रो को समराइज कर रहा हूं, सो कृपया इसको अंत तक देखने का प्रयत्न करिएगा। देखिए तभी मजा आता है, तब मैं ईटीएफ्स का भी बनाऊंगा अगर इसमें आप लोगों ने सपोर्ट किया तो, शेयर अवेयर किया तो। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपको जो विंड की बात करता हूं, तो विंड कैसे डिफाइन करना है, विंड में कौन कौन से फैक्टर्स लगाने हैं, विंड को कैलकुलेशन के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, वीवी क्या है, K1 क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है, ये सब मैं पहले भी वीडियो से बता चुका हूं,
तो K1 का कैसे कैलकुलेट करते हैं, K2 कैसे, K1 क्या है आपका, रिस्क कोफिशिएंट कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, K2 क्या है, टेरिन कैटेगरी क्या है, K3 क्या है, टोपोग्राफी फैक्टर, अगर आपको आता है तो आप करेक्ट है। चलिए प्रॉपर्टीज की बात हो गई, प्रॉपर्टीज के बाद सपोर्ट की बात हो गई, इसके बाद लोड की बात हो गई। अब लोड की बात आते हैं एनालिसिस पे। एनालिसिस करने के बाद, एनालिसिस तो इजी है ना, रन एनालिसिस पे जाके एनालाइज करके एनालिसिस कर देते हो। एनालिसिस करने के बाद आपको क्या वो पूरा का पूरा जो डाटा है उसको रीड करना आता है क्या, जो एनालिसिस की फाइल खुलती है ना स्टैटो में, क्या आपको एक एक फाइल का मतलब पता है क्या, अगर उसमें कोई भी डाटा आ रहा है लाइक SFD, BMT, डिफ्लेक्शन आ रहा है तो आपको देखना आता है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करना आता है, SFD, BMT इनबैलेंस है तो क्या उसको सही करना आपको आता है, क्या आपको सेकेंडरी बीम को रिलीज करना आता है, इफ यस देन आप सही सीखे हो, अगर नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू में डेफिनेटली इससे पूछा जाएगा। तो ये एनालिसिस का पॉइंट होता है भाई। और लास्ट पॉइंट होता है डिजाइनिंग का, क्या आपको डिजाइनिंग आता है क्या, तो डिजाइनिंग के लिए क्या क्या आना चाहिए भाई, डिजाइनिंग जैसे कि सीयर वॉल का डिजाइनिंग आना चाहिए आपको और नॉर्मल RCC का डिजाइनिंग आना चाहिए। अब डिजाइन में क्या क्या है, FC क्या है, FY क्या है, क्लियर कवर कैसे प्रोवाइड करते हैं पता है क्या, इफ यस देन गुड, इफ नो देन रॉन्ग, अगर परसेंटेज ऑफ स्टील ज्यादा आ रहा है तो क्या करेंगे पता है क्या, अगर परसेंटेज ऑफ स्टील ज्यादा आ रहा है क्या करेंगे, मेंबर के साइज को बढ़ा देंगे, परसेंटेज स्टील कम हो जाएगा, कहते ना रेनफोर्समेंट एक्सीड, ऐसा आ जाता है ना रेनफोर्समेंट एक्सीड, अब भाई रेनफोर्समेंट एक्सीड का क्या मतलब है भाई, स्टील ज्यादा हो गई है ठीक है, थोड़ा पीछे से साउंड आ रहा होगा क्योंकि कुछ इंटीरियर कवर चल रहा है एवाइड करना उसको। अब इसके बाद आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई चलो ठीक है डिजाइन हमने कर दिया, सॉरी फॉर इंटरप्ट, तो आपको डिजाइन में सबसे पहली चीज FC FY पता है क्या होता है, कवर कैसे प्रोवाइड करना है पता है होता है क्या, इसके साथ ही साथ अब जो डिजाइन का डाटा है इसको पढ़ना आता है क्या, जब आप कभी डिजाइन कर लीजिए कॉलम पे राइट क्लिक करिए, बीम पे राइट क्लिक करिए, वहां पर रिपोर्ट दिखाता है, फिलहाल आप वैसे भी रिपोर्ट देख सकते हो, राइट क्लिक करके भी रिपोर्ट देख सकते हो, आपको आता है इफ यस देन गुड। RC डिजाइनर जहां से हमें पता चलता है सैगिंग कितना है, हॉगिंग कितना है, अगर आपको आता है RC डिजाइनर में सैगिंग हॉगिंग देखना, कौन सा बीम पास कर रहा है कौन सा बीम फेल कर रहा है RC डिजाइनर में आपको देखना आता है क्या, इफ यस देन आपने अच्छे से सीखा है। अब इसके बाद ये तो हो गया कॉमन कॉमन चीजें, इसके बाद आती है कुछ एरर्स और वार्निंग्स, क्या आप उनको रिमूव करना जानते हो क्या, क्योंकि जनरली लोग ये तो सीख लेते हैं कहीं ना कहीं से देख के, बट क्या एरर और वार्निंग्स को फिक्स करना आपको आता है ठीक है, जैसे कि एक बहुत फेमस एरर है UVC एनालिसिस का जो कि सिस्मी के टाइम पे आता है ठीक है, मैंने अपने सारे स्टूडेंट को बताया हुआ है इसको रिमूव करना आता है, डेंसिटी नॉट प्रोवाइडेड, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नॉट प्रोवाइडेड, रेनफोर्समेंट एक्सीड, क्या इसे सॉल्व करना आता है, वन और टू मोर लाइंस आर टू लॉन्ग, ये वार्निंग्स जब आप सीरो लगाते हो डिजाइन करते हो तब आता है, इसको फिक्स करना आपको आता है क्या, फिक्स मतलब सॉल्व करना, तो ये जो वार्निंग्स आती है ढेर सारी ठीक है, इन वार्निंग्स को आपको इसमें एक स्टिफनेस का, जीरो स्टिफनेस का वार्निंग्स आता है, इसको फिक्स करना आपको आता है क्या, इसके लिए आपको सेपरेट करना पड़ता है एक पार्ट को, तो उसको जीरो स्टिफनेस को सॉल्व करना आता है क्या, इफ यस देन आपने सही सीखा है। देखो वार्निंग्स और एरर को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी जो स्टेप्स हैं ये तो आप वेबसाइट से देख के कर लोगे, लेकिन ये वार्निंग्स को कैसे फिक्स करोगे, एरर्स को कैसे फिक्स करोगे, इसके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। ये है स्टेट प्रो का जनरल समराइजेशन कि आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना आता है, इसके अलावा रिस्पांस फैक्टर एनालिसिस करना आता है क्या, इसको डायनेमिक एनालिसिस बोलते हैं वो आता है क्या, फिर ये रहा जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के लिए, बाकी तो बहुत से टॉपिक्स हैं कि आपको टावर बनाना आता है क्या, ये सब, लेकिन मैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देखता हूँ। हाँ स्टेयरकेस के लोड को कैसे कैलकुलेट करते हो ये आता है क्या आपको, मतलब बिल्डिंग का काम आपको कंप्लीट आना चाहिए। तो जो जो मैंने टॉपिक्स बताए अगर ये आपको आ रहा है तो बहुत बेहतरीन है, अगर नहीं आ रहा है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीस में यूनिक सिविल ऐप पर डाल दिया है कंप्लीट कोर्स, और 15 अगस्त तक अगर जय हिंद कूपन को डालोगे तो अप्रॉक्स 1200 का 50% एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा, तो 1200 का पूरा एडवांस स्टैट प्रो आपको मिल जाएगा। उससे ज्यादा क्या चाहिए, 1200 रुपीस में स्टैट प्रो RCDC स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट में क्या क्या आएगा, छोटी मोटी चीज नहीं भाई, IS 456, IS 800 कनेक्शंस के बारे में, उसके साथ ही साथ आपको
ये विंड लोड सेस्मिक लोड को मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं, फुल डिटेल सिलेबस दे दे रहा हूं, लिंक दे दे रहा हूं, आप जाके देख लेना, कुछ लेक्चर फ्री हैं उनको भी देख सकते हो। चलिए डिजाइनिंग का पार्ट कंप्लीट हुआ तो अब चलते हैं डिटेलिंग्स के पार्ट पे। तो डिटेलिंग्स में आपको क्या आना चाहिए, डिटेलिंग्स में आपको जो वहां का डाटा है उसको रीड करना आपको सबसे इंपॉर्टेंट, तभी तो डिटेलिंग करोगे। डिटेलिंग के लिए क्या आपको आरसीडीसी आता है क्या, आरसीडीसी में कॉम्बिनेशन लगाना आता है क्या, आरसीडीसी में एडिट करना आता है क्या, आरसीडीसी की फाइल को ऑटोकैड में इंपोर्ट करना आता है क्या, ये सारे जनरल स्टेप्स हैं जो आपको स्टैट प्रो और आरसीडीसी में आना ही चाहिए। तो ये है एक समराइजेशन ऑफ स्टैट प्रो। अगर आप चाहते हो कि मैं ईटैप पर भी एक समराइजेशन करूं तो नीचे कमेंट करना जस्ट ईटैप्स। अगर यहां तक आप लोगों ने देखा है मतलब आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, आपको समझ में आया कि हमें कितना आता है और कितना आना चाहिए। बिलीव करिए जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं, अगर इतने टॉपिक्स आपने क्लियर कर लिए, आप चेक कर लो किसी भी इंटरव्यू में अगर आप कोई गया उसे पूछ लेना, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन जो आने ही आने हैं और इससे लोग पूछते क्योंकि यही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है जो मैंने आपको डिस्कस किया। फिर यहाँ तो कंप्लीट कोर्स अप्रॉक्स 45 घंटे का है, तो 45 घंटे का पूरा लेक्चर मैंने यहाँ लिंक पे दे दिया है, आप जाएंगे कर लीजिए। जय हिंद ऑफर कोड का फायदा उठा लीजिए, आपका भी भला हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। और साथ ही साथ अगर आपको ईटैप्स पे चाहिए ऐसा वीडियो जिसे आप चेक कर सके कि आपको कितना आता है, तो भाई नीचे ईटैप्स लिख देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।